हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है यदुवंशी ब्लॉग चैनल पर। और ये देखिए, ये हरे हरे नींबू के पत्ते धो के साफ करके रखा है। आज एक दो पत्ते देखिए पीले हो गए हैं, कल की आई हुई थी ना तो पीले पड़ गए एक दो पत्ते। तो ये बहुत ही यम्मी आज इसकी रेसिपी तैयार करेंगे, बनाएंगे, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो लोग नहीं खाते हैं मूली के पत्तों की सब्ज़ी, वो भी चट करके खाएंगे। पहले मेरे ससुराल में भी कोई नहीं खाता था, सब फेंक देते थे, मूली खाते थे, पत्ते फेंक देते थे। फिर एक दिन बनाई तो सब खाने लगे। अभी तो पत्ते कोई फेंकते ही नहीं, पत्ते वाली मूली लाते हैं ताकि साग भी बन जाएगा और मूली भी खाने को हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनको बारीक बारीक सा काट के फिर मिलते हैं, फटाफट इसकी रेसिपी तैयार करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो पर प्लीज़ बने रहिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कट करके रख ली है, कितनी बारीक बारीक काटा है ये देखिए, पत्तों को बिल्कुल बारीक काट लिया। और इसी में मूलियाँ थी चार पांच छोटे छोटे सी, तो ये उनको भी देखिए बारीक बारीक कट कर लिया छोटे छोटे। इसको भी इसी में डाल के पकाएंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अगर खाली पत्ते पे बनाएंगे तो क्वांटिटी कम रहती है, गल जाते हैं पत्ते, थोड़ी ये रहती है तो थोड़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा लोग होते खाने वाले तो ठीक है ना, उनके लिए कम है तो भी एडजस्ट हो जाता है। तो ये रख दिया है राई का तेल गर्म होने के लिए, और ये बारीक बारीक काट लिया है ये मिर्ची और ये लहसुन। इसको तड़के में डाल देंगे, तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था। और ये बहुत यम्मी बनती है, आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। अगर मूली ऐसे नहीं बनाना होगा तो मूली खाने के लिए आती है ना, उसके पत्ते दो तीन पत्ते का ही आप बना के देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर ज़्यादा बनाइएगा, लेकिन अच्छा ज़रूर लगेगा। तो देखिए बस इतना ही गोल्डन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए लहसुन हो गए हैं थोड़े से गोल्डन, अब इसमें ये डाल देंगे पहले मूलियाँ जो कट करके रखी थी, मूली छोटी छोटी उनको डालेंगे। आप बड़े भी काट सकते हो, लेकिन क्या छोटी रहेगी ना तो उसी में हो जाएगी मिक्स, ये सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगी, अलग से दिखेगी नहीं और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जितना बारीक काटेंगे ना मूलियाँ, वो उतना ही फ़ायदा रहेगा। और अब डाल देंगे सारा साग इसी में, पूरी सब्जी। और ये बहुत कम हो जाता है गल के, बहुत ज़्यादा गल जाता है ये, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाएंगे तो ही पूरा पड़ने वाला है। देखने में तो बहुत सारा होता है, लेकिन और सब साग से ये ज़्यादा ही गल जाता है, बहुत थोड़ा सा होता है बाद में बच के, तो इसलिए मूली डाल देने पे सही रहता है। और ये हाँ, जो नरम पत्ते होते हैं ना उनका ही बनाइएगा, मोटे पत्ते जो होते हैं। या दो तरीके की आती है मूलियाँ, एक में कांटे कांटे से होते हैं ना, उसका बनाएंगे तो उसका इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। ये जो चिकने वाले पत्ते होते हैं जिसमें मूली के पत्ते में कांटे नहीं होते, उनका बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम रहेगी, हाई पे नहीं रहेगी, तभी अच्छे से ही गल जाएगा। देखिए अभी से ही कितना थोड़ा सा हो गया, अभी तो ये और थोड़ा होगा। और हाँ, ये बनता भी है झटपट, 5 मिनट के अंदर ये साग रेडी हो जाएगा। बीच बीच में ढकते रहेंगे, खोलते रहेंगे, इसको चेक करते रहेंगे एक एक दो दो मिनट पे, और इसको ढक के इस तरीके से ढक के बनाएंगे, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय करिए, बहुत यम्मी बनने वाला है ये साग। तो देखिए अब इतना गल गया है, तो इस टाइम पर डाल देंगे नमक, तो ये अच्छे से पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी में ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा साग। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। देखिए इसमें कोई भी मसाला, किसी तरीके का तड़का या कुछ भी नहीं, सिर्फ लहसुन मिर्ची में ही इतना हेल्दी, इतना बढ़िया बनता है ये। और जो गैस पेशेंट हैं जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, उनको तो इतना खाना चाहिए ये, कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप खा के देखिए, 1 महीने तक
थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो गैस पेशेंट के लोग हैं, गैस्ट्रिक वाले, अभी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे दो मिनट पे इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए इसको फ्लेम को हाई कर देना, इसको चला चला के इसको सोना करना है, मतलब थोड़ा सा इसमें कलर आएगा गोल्डन, उतना करना है सोना। थोड़ा सा हल्का सा इसमें कलर आएगा और ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, एक भी मिनट रुकना नहीं है, दो तीन सेकंड छोड़ना है, फिर चलाना छोड़ना, तो इससे बिल्कुल इसका पानी जो है ना बिल्कुल सूख जाएगा, तो इससे इसमें इसमें बढ़िया सोनापन और हल्का सा क्रंचीपन आ जाएगा, क्योंकि पत्तों का पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो थोड़े क्रंची से हो जाएंगे और ये जो मूलियाँ हैं ना ये भी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी। तो ऐसे चला दो दो सेकंड पे चलाते रहेंगे, फ्लेम अब हाई कर देंगे इस टाइम पे। तो बस अब हो गया है, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। देखिए कितना जरा सा बचा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो देखिए यम्मी सा साग तैयार है, ग्रीन ग्रीन मूली का साग, और ये देखिए पत्ते मूली से गार्निश कर दिया है, सुंदर लग रहा है ना। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, मूली के पत्तों का साग बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। और ये गैस्ट्रिक पेशेंट वालों को बहुत फ़ायदा करता है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो भी वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई यम्मी सी रेसिपी के साथ।